अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। अब्दुल अज़ीज़ साहब की तहरीर करदा किताब नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, जिसमें ऐसे लोगों की कहानियां शामिल हैं, सक्सेस स्टोरी जिसे आप कह सकते हैं, कि जिनसे हम सीख के अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। आइए ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी की तरफ चलते हैं, लॉइस ब्रेल की। एक नाबीना लड़के ने किस तरह अपनी अजीम इजाद के ज़रिए नाबीना अफराद के तालीमी निज़ाम में इनकलाब बरपा कर दिया। ये कहना गलत ना होगा कि दुनिया में नाबीना अफराद की अजीम कामयाबियों का सहरा लॉइस ब्रेल के सर है, जिसने अपनी अजीम इजाद ब्रेल डॉट को नाबीना अफराद के लिए मशले राह बना दिया। आज जितने भी नाबीना अफराद जिन्होंने दुनिया में आली तलीम हासिल की, नामवार अहदों पर फाइज हुए, सब इस इजाद की मरहून मिन्नत हैं। मैं जब भी इन नाबीना अफराद की अजीम कामयाबियों को देखता हूँ तो लॉइस ब्रेल को बेसाख्ता सलाम पेश करने को दिल करता है। लॉइस की ज़िंदगी हमें बेशुमार सबक देती है। ये लॉइस ही था जिसकी वजह से हेलन केलर जैसी अजीम मुसनफा लिखने की काबिल हुई। साइमा सलीम, अमारा यासर, सरदार अहमद, सलमान अरशद, फरजाना सुलेमान, अजीज़ा सईद, शाहिदा रसूल, डॉक्टर साबिर और ऐसे हज़ारों नाम मंजरे आम पर आए और दुनिया को आंखों के बगैर अपनी उंगलियों से देखने का फ़न सिखा गए। ऐसी ऐसी कामयाबियाँ समेटी कि आज आंखों वाले भी उन्हें फ़क्त ख्वाब तसव्वुर करते हैं। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा बच्चा जिसे पढ़ने लिखने का जुनून की हद तक शौक़ है, अचानक बिनाई से महरूम हो जाए तो क्या क़यामत गुजरेगी। बचपन में एक हादसे में लॉइस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1809 में पैदा होने वाले लॉइस 1820 में बिनाई की नेमत से महरूम हो गया। उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो हादसे से क़िबल रोज़ाना किताबें पढ़ता था, लेकिन अचानक उसकी दुनिया अंधेर हो गई। इस दौर में माजूर लोगों के पास दूसरों के सहारे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। लॉइस ने भी 4 साल ट्यूटर्स के सहारे तालीम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो मुतमईन ना था। उसने कोई ऐसा तरीका ईजाद करने का फ़ैसला किया जिसकी मदद से वो खुद किताबें पढ़ने के काबिल हो सके। वो काम जो सदियों से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद अरबों लोग ना कर पाए, उसका आगाज़ एक नाबीना शख्स ने किया और एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू कर दिया जो उभरे हुए अल्फाज वाली किताबें लिख सके, जिन्हें हर नाबीना शख्स खुद बग़ैर किसी मदद के पढ़ने के काबिल हो सके। उसने इसी काम को ज़िंदगी का मकसद समझ लिया और दिन रात इस पर काम करना शुरू कर दिया। वो नाबीना लड़का जो कुछ भी देखने से कासिर था, एक ऐसी मशीन पर लग गया जो उस वक्त का बज़ाहिर एक नामुमकिन काम था। यह हकीकत है कि जब इंसान मुस्तकिल मिजाज और कुछ करने की ठान ले तो पूरी कायनात उसकी मदद करने में लग जाती है। खुदा की ज़ात कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, और इसी मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी के बलबूते पर उसने 1839 में एक ऐसा डॉट सिस्टम बना लिया जिसकी मदद से दुनिया भर के नाबीना अफराद आसानी से किताबें पढ़ सकते थे। लॉइस ने यह सिस्टम ईजाद करने के बाद बाकी ज़िंदगी उसकी तरवीज और फैलाव में लगा दी। वो 1852 में इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन दुनिया भर के नाबीना अफराद को रोशनी दे गया। उसकी मेहनत का सिला खुदा की ज़ात ने इस तरह से दिया कि 1855 तक उसका बनाया हुआ ब्रिल सिस्टम पूरे यूरोप में राइज हो गया, और फिर यूरोप के 14 ममालिक ने तमाम बड़ी किताबें लॉइस के ब्रिल निज़ाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दी। आज उसके दिए हुए ब्रेल सिस्टम की वजह से दुनिया के तमाम नबीना अफराद आला तालीम हासिल कर रहे हैं और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इनकलाब ला चुके हैं बल्कि अपने जैसे कई अफराद की ज़िंदगियां बदल रहे हैं। एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से सवाल कीजिए कि क्या आपकी ज़िंदगी में मौजूद मुश्किलात नाबीना लॉइस ब्रेल की ज़िंदगी से भी ज़्यादा हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी के मकसद से इसलिए मुँह मोड़ के बैठ गए हैं कि चंद मुश्किलात ने आपका रास्ता रोक रखा है? ज़रा हकीकत की आंख से दुनिया को देखें और बताएं, क्या किसी भी इंसान से ने बग़ैर मुश्किलात की कामयाबी हासिल की है? ये मुश्किलात नहीं, फ़क्त काहली और सुस्ती हैं जो आपको अपने मकसद से, अपनी हकीकी शनाख्त से और एक अजीम कामयाबी से दूर रखे हुए हैं। आज लॉइस ब्रेल की वो दिन रात की मेहनत दुनिया के अजीम तरीन
ایجادات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ ایجاد ہے جس کی وجہ سے تعلیم سے محروم نابینا افراد آج دنیا کے اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ آج گوگل پر پی ایچ ڈی کرنے والے نابینا افراد تلاش کریں، یقین مانیں آپ گنتی بھول جائیں گے۔ یہ لوئس بریل تھا جس نے دنیا کو یہ احساس دلایا کہ نابینا افراد بھی عام انسانوں کی طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بریل کی اس ایجاد کے بعد معذور افراد کے لیے ایجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے، اور یہ سب وہ ایجادات ہیں جن کی وجہ سے تمام معذور افراد اپنی معذوری کی زندگی سے نکل چکے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھا رہے ہیں بلکہ اپنے جیسے لاکھوں افراد کی مدد کے لیے بھی دن رات کوشاں ہیں۔ آج دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نابینا افراد لوئس بریل کو دعائیں دیتے ہیں۔ آج جب ہمارا معاشرہ منفی سوچ، آرام پسندی اور الزام تراشوں سے بھرا پڑا ہے، ہمیں حقیقت میں لوئس بریل جیسے جذبے کے حامل لوگوں کی اشد ضرورت ہے، جو حکومتوں کو اپنی ناکامیوں کی وجہ قرار دینے کے بجائے اپنی ذات کو پہچان کر زندگی کے کسی مقصد پر لگ جائیں اور اس دنیا کو کچھ ایسا دے جائیں کہ ان کے جانے کے سینکڑوں سال بھی دنیا ان کی احسان مند رہے اور ان کی جلائی ہوئی شمع سے روشنیاں سمٹتی رہے۔ آئیں عہد کریں آرام پسندی کی زندگی سے نکل کر کچھ کر گزرنے کا، ذہنی بیماری اور لاچاری سے جان چھڑانے کا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اور اسی ایک زندگی میں ہزاروں سال کی زندگی جی کر دکھانے کا۔ آج اس ملک کو ایسے افراد کی اشد ضرورت ہے جو مشکلات اور مصائب کا کامیابی کا زینہ سمجھیں، جو اپنے ساتھ دوسروں کے مستقبل بھی روشن کریں، جو بڑی سوچ اور بڑی ظرف کے حامل ہوں، جو اپنی ناکامیوں کی وجہ کسی اور کو قرار نہ دیتے ہوں، جو کسی معجزے کے انتظار میں اپنی زندگیوں کو رائیگاں نہ کر رہے ہوں۔ میری زندگی کا تجربہ کہتا ہے جب ہم لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے جب ہم لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ پلیز سبسکرائب تاکہ آپ ایسی بہت سی اچھی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں، اور اگر آپ کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کتابیں سن سکیں، اپنے وقت کا استعمال کر سکیں۔ شکریہ۔